नमस्कार बच्चों, मैं विनय शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय अलवर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 इंग्लिश लिटरेचर की पुस्तक कलाइडोस्कोप की कविताओं में से दूसरी कविता पोएम्स बाय मिल्टन ऑन टाइम का अध्ययन करेंगे। पहले के वीडियो में हम इसकी प्रथम 8 पंक्तियों को पढ़ चुके हैं और आज बाकी की जो 14 पंक्तियां हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। इस कविता में कवि जॉन मिल्टन हमें समय के द्वारा मनुष्यों और उनके जीवन में लाए जा रहे बदलाव, जिसमें कि बीमारी है, मृत्यु है और सब प्रकार की जो बुराइयां हैं, उन चीज़ों का प्रभाव दिखाया गया है। किस तरह समय सब चीज़ों को खा जाता है जो भी उसके मार्ग में आती हैं, पर कवि ये सोचकर खुश भी होते हैं कि वो जिन चीज़ों को खाता है वो हमारे लिए सिर्फ मॉर्टल ड्रॉस हैं, ऐसी नश्वर चीज़ें जिनका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए समय ना तो ज़्यादा लाभ में रहता है और ना हम मनुष्य ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस कविता में कवि ने समय को परसोनिफाई किया है, एक मनुष्य की तरह, एक जीवित एंटिटी की तरह उसको संबोधित करते हुए वो कहते हैं। तो ये प्रथम 8 पंक्तियों की एक छोटी सी समरी थी। अब आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। कवि कहता है, फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटोम्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस एंड जॉय शैल ओवरटेक अस as a flood, when everything that is sincerely good and perfectly divine, with truth and peace and love, shall ever shine. तो इन पंक्तियों में कवि कहता है, उस परिस्थिति के बारे में बताता है जब समय प्रकार की बुरी वस्तुओं को निगल जाएगा, खा जाएगा। वो कहता है फॉर व्हेन, और जब एज ईच थिंग दैट, इस संसार की हर एक वस्तु जो कि बुरी है, जो कि अवगुणों से भरी हुई है, जो कि व्यर्थ है, उस उन सब बुराइयों को, उन सब बुरी चीज़ों को दाओ, यानी कि तुम खा जाओगे और फिर उनकी एक समाधि बना दोगे, एक टोम बना दोगे। एंड टोम, पुटिंग इनसाइड अ टोम, टोम क्या होता है, एक मकबरा। तो उसके अंदर जब तुम उन्हें दफना दोगे, दबा दोगे, एंड लास्ट ऑफ ऑल, और अंततः, दाय ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तुम स्वयं को ही कंज्यूम कर जाओगे, खा जाओगे, क्योंकि अब कुछ और बचा नहीं खाने के लिए, सारी बुराइयों का तुम अंत कर चुके हो, खा चुके हो, तो अंततः तुम स्वयं को ही निगल जाओगे, स्वयं का ही अंत कर दोगे। उस समय क्या होगा, देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आर ब्लिस, और हम मनुष्यों का, हम मानव जाति का की जो खुशी होगी उस समय, ब्लिस का मतलब होता है दिव्य आनंद, ठीक है, वो आनंद जो जिसका हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, असीमित आनंद। तो इटर्निटी, इटर्निटी यानी इमोर्टैलिटी, यानी कि अमरता, वो खुले हाथों से हमारा स्वागत करेगी, हमारे इस आनंद को देखकर प्रसन्न होगी, इसको सेलिब्रेट करेगी, और हर किसी मनुष्य को जो अपनी बुराइयों से रहित हो चुका है उसको इंडिविजुअली, पर्सनली किस करेगी। किस करने से तात्पर्य यहाँ पर है, उसको छूकर अमरता प्रदान करेगी। जब ऐसा हो जाएगा, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में पहुँच जाएंगे, एक आदर्श समाज में पहुँच जाएंगे, और फिर जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड। फ्लड का मतलब बाढ़, जब पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाती है,
जब बाढ़ आती है तो उसमें सभी चीजें डूब जाती हैं, चाहे वो घर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे गाड़ियां हो। तो ऐसे ही जब इस पृथ्वी पर बुराइयों का अंत होने से आनंद की, खुशी की बाढ़ आएगी, तो हम सब उस बाढ़ में डूब जाएंगे। When everything that is sincerely good and perfectly divine, और वो बाढ़ क्यों आएगी? क्योंकि इस संसार में फिर सारी चीजें अच्छी होंगी और परफेक्टली कंप्लीटली डिवाइन यानी कि दिव्य होंगी। एक बुराई का अंश भी इस संसार में नहीं रहेगा, इसीलिए इस संसार में खुशी की, आनंद की बाढ़ आ जाएगी। पीस एंड लव शैल एवर शाइन। और फिर क्या होगा? तीन मुख्य गुण, तीन मुख्य वर्च्यूज, मेन वर्च्यूज होंगे जो इस संसार पर रूल करेंगे। और वो तीन मेन वर्च्यूज होंगे ट्रुथ यानी कि सत्य, पीस यानी कि शांति, लव यानी कि प्रेम। शाश्वत गुण हैं ये इस संसार के, तो ये शाश्वत गुण फिर से जागृत हो जाएंगे और ये चमकने लगेंगे। कहाँ चमकेंगे? दे विल शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। हिम हियर स्टैंड्स फॉर द गॉड, भगवान का, परमपिता परमेश्वर का जो परम सिंहासन है, थ्रोन है, उसके चारों तरफ ये तीनों गुण चमकेंगे। टू हूज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन। और ये दृश्य जो होगा, ये जो साइट होगी, ये दृश्य जो होगा, वो उस परमपिता परमेश्वर को प्रसन्नता प्रदान करेगा। क्यों प्रसन्नता प्रदान करेगा? क्योंकि उसका जो क्रिएशन था अर्थ, जो उन्होंने निर्माण किया था पृथ्वी का, उसमें बुराई का अंश भी था, पर क्योंकि अब बुराई समाप्त हो चुकी है तो पृथ्वी कैसी हो गई है? पूर्ण रूप से पवित्र हो गई है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई है, जैसे कि पहली बार जब वो बनी थी तब थी। ऑल दिस अर्थली ग्रॉसनेस क्विट। अब हम लोगों ने, हम मनुष्यों ने अर्थली ग्रॉसनेस, भौतिक संसार से जुड़ी हुई ग्रॉसनेस यानी कि भारीपन को क्विट कर दिया है, यानी कि हमने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, इसीलिए हम सब दिव्य हो गए हैं। और जब देखिए भारीपन हम छोड़ देते हैं, कोई भी चीज़ जो भारी होती है वो ज़मीन के से ऊपर नहीं उठ पाती, पर जो चीज़ें हल्की होती हैं, जैसे कि बलून हुआ, गुब्बारा हुआ, या किसी चिड़िया का पंख हुआ, तो वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो जब हम मनुष्यों में से ये बुराई रूपी भारीपन हट जाएगा तो हम भी ऊपर स्वर्ग की तरफ बढ़ेंगे। और कहाँ पहुँच जाएंगे? उस परम पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ हम बैठ जाएंगे। अटायर्ड विद स्टार्स। हमने किस तरह के वस्त्र पहने होंगे? अटायरिंग मतलब ड्रेसिंग अप। तो हमने वस्त्र पहन रखे होंगे सितारों जैसे, चमकीले, जैसे कि एंजल्स को पहने हुए दिखाया जाता है, देवदूतों को पहने हुए दिखाया जाता है। तो हम देवदूत जैसे ही चमकीले वस्त्र पहनकर, वी शैल फॉरएवर सिट, फॉरएवर हमेशा के लिए हम लोग कहाँ बैठ जाएंगे? प्रभु के चरणों में, उनके सिंहासन के चारों तरफ उनके चरणों में हम बैठ जाएंगे। और तब हम डेथ, चांस और तुम पर, डेथ यानी मृत्यु, चांस हम सभी जानते हैं व्हाट इज चांस, और टाइम तुम पर भी, समय तुम पर भी, तुम जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध कर रखते हो, हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते रहते हो, हमें प्रभावित करते हो जिंदगी भर, तो समय उस टाइम, उस समय जब हम ईश्वर के सिंहासन के पास अमरता प्राप्त करके बैठे होंगे, तब हम तुम पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से कवि एक आदर्श समाज की, एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें कोई बुराई नहीं होगी, सभी अच्छाइयाँ होंगी, जिसमें सब मनुष्य आध्यात्मिक बन जाएंगे और वापस अपने परमपिता परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएंगे और मृत्यु, चांस और समय तीनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। एक ऐसे आदर्श संसार की कल्पना वो इस कविता में करते हैं। तो बच्चों ये थी ये आपकी कविता। और अब जो कुछ ग्लॉसरी में मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डाले हैं, ये भी आपको फ़ायदा देंगे। आप उन शब्दों का अर्थ यहाँ से रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो अगला वीडियो हम देखेंगे उसमें इस कविता में कवि ने जिन फिगर्स ऑफ स्पीच का, अलंकारों का उपयोग किया गया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करूँगी।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।